चने की फसल और मटर की फसल दोनों ही नगदी रूप में, जैसे यहाँ जो इस परिवेश में चना लोग उगाते हैं, लगभग 70 से 80% लोग जो है चना हरा में बेच देते हैं और मटर को भी हरी मटर के रूप में बेचते हैं, जिसको सब्जी के रूप में उपयोग किया जाता है। अब बात आती है इसकी खेती हम लोग कैसे करें। खेती करने के लिए हमारे किसान भाइयों को सबसे पहले ये जानना होगा कि चने की खेती के लिए ऐसी भूमि का चयन करें, जैसे धान कटने के बाद जिस खेत में नमी रहता है उसका चुनाव करें, लेकिन ऐसे बहुत नीची ज़मीन को जो एक नंबर यहाँ बोलते हैं उस ज़मीन का प्रयोग ना करें, क्योंकि कभी कभी बीच में जनवरी के आसपास दिसंबर में बारिश हो जाने से जो है काफ़ी नुकसान का सामना किसानों को करना पड़ता है। खेत के चुनाव की बात आती है तो हम किसान भाइयों से यही बताएंगे कि ऐसे खेत का चुनाव करें जिसमें जो है पानी जल जमाव ना हो। दूसरी बात हमारे किसान भाइयों को ध्यान देना ये है कि खाद तथा उर्वरक का चयन कैसे करें। खाद तथा उर्वरक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, जिसमें हमारे किसान भाइयों को कौन कौन सी खाद किस रूप में देना चाहिए उन्हें हमें यह बताना चाहेंगे कि सबसे पहले प्रति हेक्टेयर 15 टन लगभग 150 क्विंटल सड़ी गोबर की खाद, जैसे धान कटनी होगा तो उनको 10 दिन पहले जो है 10 से 15 दिन पहले खेत की जुताई करते समय, पहली जुताई करते समय ही 15 टन 150 क्विंटल गोबर की सड़ी खाद मिला देना चाहिए खेत की जुताई करके। उसके बाद उनको देसी हल से 3-4 बार जुताई करें और पाटा देते रहें, या कल्टीवेटर जो भी उनके पास व्यवस्था है उसके हिसाब से अपना खेत की तैयारी करते रहें। उर्वरक की जहाँ तक बात आती है, 25 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 25 किलोग्राम पोटास और 20 किलोग्राम सल्फर की आवश्यकता होती है। लेकिन जब हम उपयोग करते हैं, लेकिन बताना चाहेंगे सॉइल सैंपलिंग ले करके हम उसका एनालिसिस करवा लें, टेस्टिंग करवा लें तो अति उत्तम होता है। यदि नहीं, हमारे किसान भाई जिनका नहीं हो पाया है वो जो हमने मात्रा बताया उस मात्रा को प्रयोग करें। हाँ, मिट्टी की जांच कराने के लिए हमारे किसान भाई जो जिले में कृषि विज्ञान केंद्र है, जिला कृषि विभाग है, वहाँ पर टेस्टिंग होता है। लेकिन हम चाहेंगे कि हमारे किसान भाई जो उनका फील्ड है, चाहे उनका 50 डिसमिल का, अगर 100 डिसमिल का है, 1 एकड़ है, तो 5 जगह से उनको मिट्टी हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं सॉइल सैंपलिंग कैसे किया जाए, वी के आकार का गड्ढा करके और 5 जगह से मिट्टी इकट्ठा करके मिला करके 5 जगह से मिट्टी तब तक मिला करके आधा करते रहें जब तक उनके पास आधा किलो मिट्टी नहीं होता है। आधा किलो भुरभुरी मिट्टी उनके पास जब बचता है तब उसको वो टेस्टिंग के लिए भेज देते हैं। हाँ, मटर के लिए भी किसानों को हम बताना चाहेंगे कि यदि वो सब्जी वाली मटर उगाते हैं तो उनको गोबर की सड़ी हुई खाद 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर देना होगा। यदि हमारे किसान भाई दाल वाली मटर उगाते हैं, जैसे उसकी वैरायटी है दंतेवाड़ा मटर 1 VL42 और ये दाल वाली मटर हो गई, दाल वाली मटर को चूँकि कम खाद और उर्वरक की आवश्यकता होती है, इनके लिए थोड़ा सा समय ज़्यादा मिल जाता है, लेकिन सब्जी वाली मटर के लिए समय कम रहता है और उन्हें पोषक तत्व की अधिक ज़रूरत पड़ती है। उनके लिए 25 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 25 से 30 किलोग्राम पोटास, 20 किलोग्राम सल्फर की आवश्यकता होती है।